जब स्वतंत्र भारत में पहली सरकार में मंत्री के रूप में नेहरू सरकार ने तुष्टीकरण की नीति पर चल करके जिन त्रासदियों से देश आजादी के बाद उभरने का प्रयास कर रहा था, उन्हीं संकटों को जबरन देश पर लादने का प्रयास किया, तो उन्होंने कैबिनेट से अपने आप को अलग करके भारतीय जनसंघ की स्थापना और उसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं देनी प्रारंभ की। सरकार से उनके मतभेद उस समय भी देखने को मिले थे जब देश के संविधान में जबरन धारा 370 जोड़ करके तत्कालीन नेहरू सरकार ने देश की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ एक खिलवाड़ करने का प्रयास किया था। उसका जमकर विरोध डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ ने किया था और उसी समय उन्होंने नारा दिया था कि एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के भारत की एकात्मता और अखंडता के लिए किए गए बलिदान का देश सदैव स्मरण करेगा। भारत के प्रति उनकी जो सोच थी उसे आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रभावी ढंग से देश के अंदर लागू किया जा रहा है। 1952-53 से चली आ रही जो त्रासदी धारा 370 की थी उसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सदैव के लिए समाप्त करते हुए आज जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करके मजबूती के साथ विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। यह उल्लेखनीय कार्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उन संकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य है जो आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। आज के इस अवसर पर जब हम उन महामानव के 123वें पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ पर एकत्र हुए हैं, मैं भारत माता के ऐसे महान सपूत को जिनका पूरा जीवन भारत और भारतीयता के लिए समर्पित था, भारत की एकात्मता और अखंडता के लिए समर्पित था, मानवता के कल्याण के लिए समर्पित था,